एक गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के बारे में। ये वेल्डिंग इलेक्ट्रोड क्या है और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है और किस मटेरियल को वेल्डिंग करने के लिए इसका हम यूज करते हैं, उसके कोड के साथ हम इसके डिस्कस करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो में स्कीप ना कीजिएगा, वीडियो शॉर्ट में रहेगा और आपको पूरी समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले आप ये देख लीजिएगा, एक वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब इसके बारे में तो आपने देखा ही होगा, E7018 बहुत फेमस कोड है, लेकिन ये जो है मस्ट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बता दूँ इसकी कुछ बेसिक जो जानकारी है, मैं बता देता हूँ आपको। वेल्डिंग इलेक्ट्रोड एंड देयर यूजेज, यहाँ पे E7018, ठीक है ना, आप कोई भी ले सकते हो, E7018 ले सकते हो, ठीक है। आप E7 6011, E6012, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देना चाहता हूँ, बस कुछ इंट्रोडक्शन के लिए। तो देखिए E7018 जो है, E का मतलब होता है इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, E का मतलब इलेक्ट्रोड होगा। उसके बाद से 70 यानी फर्स्ट जो टू डिजिट जो होगा, फर्स्ट टू डिजिट यानी 70, इसका मतलब होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। एंड देन 1 का मतलब होता है यानी सिंगल 1, ये 1 का मतलब होता है पोजीशन, ठीक है ना, कि वेल्डिंग पोजीशन आप किस पोजीशन में कर रहे हो, ठीक है। वेल्डिंग पोजीशन का तो नाम सुना होगा, इसका वेल्डिंग में इसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वीडियो को देख सकते हो प्लेलिस्ट पे जाके। तो फ्रेंड्स, किस वेल्डिंग इलेक्ट्रोड से किस पोजीशन रहेगा, आगे देखेंगे। 8 यानी लास्ट डिजिट है, ये 8 है, लास्ट डिजिट है 8, यानी ये फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। यानी कि जो वेल्डिंग है फ्रेंड्स, जैसे कि ये वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना, इसके बाहरी सतह पे जो भी फ्लक्स लगा हुआ है, ठीक है, ये बाहरी सतह है इसका, ठीक है ना, बाहरी सतह पे जो भी फ्लक्स है, ठीक है, तो फ्लक्स का कंपोजिशन क्या है इसके बारे में दर्शाता है, यानी रिप्रेजेंट करता है। चलिए हम देखते हैं आगे। फ्रेंड्स, ये तरह बेसिक जानकारी है कुछ, अब चलते हैं हम देखते हैं कोड, वेल्डिंग कोड क्या होती है, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड कोड क्या होती है और किस मटेरियल में कौन से वेल्डिंग इलेक्ट्रोड से वेल्डिंग किया जाएगा तो सही रहेगा, उसका वेल्डिंग स्ट्रेंथ अच्छा रहेगा, ठीक है, हम इसके बारे में जानेंगे। चलिए हम देखते हैं। कमर्ली जो फ्रेंड्स यूज किया जाता है, माइल्ड स्टील इलेक्ट्रोड्स आर मस्ट कमर्ली यूज इन इंडस्ट्री। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको वीडियो को फर्स्ट ऑफ ऑल बताया था आपको कि माइल्ड स्टील इलेक्ट्रोड का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, तो माइल्ड स्टील के अंदर जो जो भी वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का आता है उसका कोड आपको नीचे यहाँ पर दिया गया है, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। चलिए देखिए दें, E7010, E6011, E6012, E6013, E6074, E6024 एंड लास्ट वन E7018। तो इतना है, ये सारा जो है माइल्ड स्टील इलेक्ट्रोड के अंदर आता है, अब इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड जो है यहाँ पे फॉर हाई कार्बन स्टील, ठीक है ना, तो हाई कार्बन स्टील के लिए जो इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है उसका कोड है फ्रेंड्स E7018, बराबर। फॉर हाई कार्बन स्टील के लिए जो इलेक्ट्रोड का हम यूज करते हैं वो E7018, ये वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का कोड है। अगर किसी आपका वर्क पीस यानी कि पैरेंट मेटल जो है वो हाई कार्बन स्टील का, यानी कार्बन स्टील का है, हाई कार्बन स्टील का है, ठीक है, आपका पैरेंट मेटल, तो उसमें हम जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड से यूज करेंगे यानी वेल्डिंग करेंगे उसका कोड जो होना चाहिए वो 7018 होना चाहिए, बराबर, E7018 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसमें हम करेक्ट वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे तो इससे फ़ायदा ये रहेगा कि वेल्डिंग जो स्ट्रेंथ रहेगी वो एकदम स्ट्रेंथ उसको मिलेगी वेल्डिंग का, और यहाँ पे कोई डिफेक्ट नहीं मिलेगा और एकदम वहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, कोई क्रैक का कोई संभावना नहीं रहेगा। चलिए हम आगे देखते हैं। अगर लो एंड मीडियम कार्बन स्टील में वेल्डिंग कर रहे हैं, यानी कि पेरेंट मेटल या बेस मेटल जो लो मीडियम कार्बन स्टील का है, तो उसमें हम यूज कर सकते हैं E70 या E6013, E6010 या E6013, ये दो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के कोड हैं, हम इन दोनों का यूज कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक का यूज। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। और अगर आप कास्ट आयरन यानी कि बेस मेटल या पेरेंट मेटल अगर आपका कास्ट आयरन है, अगर उसमें वेल्डिंग करने जा रहे हो तो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का जो कोड है वो ENI99-C1 होना चाहिए, Z308, ये वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का कोड है। अगर इस वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के कोड वाली वेल्डिंग इलेक्ट्रोड से अगर आप वेल्डिंग करोगे तो आपका वेल्डिंग जो ज्वाइंट है उसका स्ट्रेंथ आपको बहुत बढ़िया मिलेगी। और दूसरा है ENI C1, यानी कि यहाँ पे दो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का कोड है, इन दोनों से आप वेल्डिंग कर सकते हो, दोनों में किसी एक का यूज कर सकते हो। चलिए हम लास्ट में बात करते हैं स्टेनलेस स्टील के लिए। अगर आपका पेरेंट मेटल स्टेनलेस स्टील है, ठीक है, मान लो कि अगर आपका पेरेंट मेटल या बेस मेटल जो भी कहें आप, उसका
जो है पेरेंट मेटल आपका स्टेनलेस स्टील SS है, तो उसमें आप वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का यूज़ करोगे आप 304, 308 और 316L, ठीक है ना, किसी में इन तीनों में किसी का भी यूज करोगे आप, ठीक है, स्टेनलेस स्टील को वेल्डिंग करने के लिए। तो फ्रेंड्स आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये स्टेनलेस स्टील का मैं यहाँ पे पीक दिखा देता हूँ। देखिए ये वाला जो है स्टेनलेस स्टील का पीक आपके सामने जो एक दिख रही है, ये स्टेनलेस स्टील यानी कि हल्का जो है हल्का लाइट रहती है, यानी कि हल्का सफ़ेद भी दिखती है ये, ठीक है। अगर वही कास्ट आयरन की बात करें तो कास्ट आयरन की इलेक्ट्रोड अगर आप देखोगे तो वो डार्क नज़र आएगी आपको, लेकिन स्टेनलेस स्टील की हम ये हल्का सा लाइट रहती है और सफ़ेद रहती है। चलिए हम आगे देखते हैं। अगर ये देखने में E7018 जो रहती है ये वैसे ही रहती है जैसे SS की रहती, लेकिन थोड़ा ये डार्क रहती है हल्का सा, ठीक है, और कास्ट आयरन का थोड़ा जो है वो थोड़ा रहती है डार्क रहती है, ठीक है ना। अब ये जो है E6013 है, माइल्ड स्टील का इलेक्ट्रोड ऐसा आता है। आपने पिक देख लिया कैसा होता है। तो फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला होगा इस वीडियो से, तो एक लाइक ज़रूर करके जाना और मिलते हैं हमसे एक नए वीडियो में। और मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कोई आपके पास कमेंट है तो मुझे कमेंट कीजिए, कोई सजेशन है तो मुझे ज़रूर कीजिएगा, मैं वीडियो को और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच।